अपने कानून एक्ट और जुडिशरी पर इतना ही भरोसा है कि शायद रूल और एक्ट के अगेंस्ट वो नहीं जा पाएंगे, ये सारी चीज़ें। अब इलाहाबाद में एक पिटीशन में स्टेट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया 2018 से शुरू हो चुकी है, इसलिए ईडब्ल्यूएस नहीं मिल सकता है। अब एक बात ये होगी, दूसरी बात डबल बेंच ने यहाँ कह रखा है कि ATR इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, इसका मतलब जो भर्ती प्रक्रिया वो 2020 से शुरू हुई है। अब देखिए, सरकार कह रही है कि 2018 से शुरू हो रही है, यह सरकार का कोई अधिकारी कह रहा है जिसने काउंटरफेडेट फाइल किया हुआ है, उसने अपनी समझ और अपने विवेक का परिचय देते हुए वहां पर काउंटर फाइल किया। अब वो सही फाइल किया गलत फाइल किया उसका हमसे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो डिवीजन बेंच में ऑब्जर्वेशन हुआ है, जो डिटेल्ड बहस हुई है, जो कानूनी उठापटक हुई है, जो समुद्र मंथन हुआ है, उस समुद्र मंथन के बाद एक बात निकली है डबल बेंच से, और वो ये निकली है कि ATRE जो है वो शिक्षक भर्ती का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो सरकार ने कट ऑफ लगाई है वो सही लगाई है, एक बात। दूसरी बात, स्टेट वहां कह रही है कि 18 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। तो भाई साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो लोग कहते हैं कि EWS मिल गया, मिल जाए वो लड़े जाकर के, हमसे नहीं मतलब है, इस मुकदमे में कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, रिकमेंड कर सकती है कोर्ट उनके लिए, लेकिन उनको दे कुछ नहीं पाएगी, लिख सकती है कि भाई होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो इस चीज को मांगने ही नहीं है, मांगने हम लोग नमक गए हैं, वो लोग चीनी मांगने आए, तो जो 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 मांगने आया है उसको वही मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर एक अधिकारी कह रहा है कि 2018 से भर्ती प्रक्रिया, अवधेश भाई अभी आपका बात का जवाब दूंगा, अब जैसे वहां पर कोई अधिकारी कह रहा है कि 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए हम रिजर्वेशन EWS का नहीं दे सकते हैं। मंथन में क्या निकला, कानूनी तकनीकी जो पूरी 1981 बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली है उसका जब निचोड़ा गया, उसको मथा गया डबल बेंच में, मैराथन सुनवाई हुई जिसमें प्रशांत चंद्रा साहब थे, इलाहाबाद से ओझा जी आए थे, HN सिंह थे और माथुर साहब थे, स्टेट के भी काउंसिल थे, मतलब पूरा मंथन हुआ था, और वहां पर ये निकल करके आया था, उपेंद्रनाथ मिश्रा साहब थे, कि ATRE जो है उसका जब हिस्सा ही नहीं है और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट ही अभी नहीं हुई है तो 60-65 कट ऑफ लगाना सही है। अब कोई उल जुलूल अधिकारी अगर वहां पर काउंटर लगा दे रहा है कि 18 से शुरू है, तो उसके कहने भर से थोड़ी ना वहां भर्ती प्रक्रिया 18 से शुरू हुई मान ली जाएगी, मानी कब जाएगी, जो डबल बेंच, जो कानून के महा मतलब विधि विशेषज्ञ लोग बोल गए, जो डबल बेंच ने, मैं डबल बेंच ने नहीं, सुप्रीम, अब डबल बेंच तो काम खत्म हो गया, अब हो गया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो जो अपील इस जजमेंट के विरुद्ध गई थी रामशरण मौर्य वाली, वो जजमेंट अपहोल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट में। इस 60-65 को खत्म करने वाला जो जजमेंट था, को चैलेंज करने वाली स्पेशल लीव पिटीशंस थी, उन पिटीशंस को सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया 2020 से ही शुरू हुई है, 2018 से नहीं शुरू हुई है। जिस अधिकारी ने वहां पर गलत तथ्यों के आधार पर अजम्पशन पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उस काउंटर एफिडेविट के बिहाफ पर हमारे मुकदमे में किसी भी दशा में कोई निगेटिव ऑर्डर नहीं पास होगा। अब वहां किसी बैल अधिकारी ने वहां पर किया है तो उससे हमको क्या लेना देना, अगर उसने कोर्ट को मिसलीड किया है, मिसकंसीव किया है, तो जिस मुकदमे में उसने ये गलत एफिडेविट फाइल किया है उसके खिलाफ भैया FIR लिखवाओ जाकर के, कोर्ट में 420 का मुकदमा करो जाकर के, उसको हमारे मुकदमे में घुसेड़ करके या हमारे मुकदमे में एज एनेक्जर लगा करके क्या मिल जाएगा तुमको, कुछ नहीं मिल पाएगा, फड़फड़ाते हो फड़ा, उसे EWS थोड़ी ना मिल जाएगा। EWS लेना था तो इन लोगों को ये करना, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आने लगती है कि अरे सुअरों, अगर EWS लेना ही था तो लो जाकर के हमने कहां मना किया है, तब तो यही ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगा करके वहां बहस करवाते तब हो जाता, अब हम लोग यहां पर आकर के इतना मर खप करके क्या, तब यहां तुमको EWS मतलब पका पकाया चाहिए था, घंटा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वहां पर आप प्रूफ करिए जाकर के, वहां पर भी मुकदमे पेंडेंसी में है,
यहां पर भी मुकदमे पेंडेंसी में है ईडब्ल्यूएस वाले, तो उसमें अपना मंथन करो जा करके भाई, उसमें फैक्चुअल चीजें आएंगी ना। अगर केवल वो वहां पर क्या कह रहा है, यहां पर तो उन सब चीजों को लेकर के अपना रखो जा करके। अगर सरकार ने गलत किया तो सरकार से लड़ो जा करके, दलित पिछड़ों के पीछे क्यों पड़े हो भाई। आखिर हमारे भाई ठीक है, अगर मान लिया हम कहते 2020 से शुरू हुई है, तो सरकार का डुअल स्टैंड हो, उसने फ्रॉड किया हो, कुछ किया हो, उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको चाहिए 10%, आप जाइए लड़िए जा करके सरकार से, सरकार से ले लीजिए जा करके। अब तुम सोच रहे हो कि हमारे मुकदमे में ला करके ले लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, उस रिकॉर्ड को लगा करके मैं तो चैलेंज चुनौती देता हूं, हम कहते सिंगल बेंच, देखते हैं डबल बेंच का ऑर्डर कहां से ओवर रूल कर देगी, कभी नहीं कर पाएगी। आखिर विद विशेषज्ञों ने जो आर्गुमेंट करके फाइंडिंग निकाल के लाए हैं कि नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, गेम शुरू नहीं हुआ, उस चीज को कोई भी अधिकारी काट नहीं सकता है, वो बाउंड हो गया है उस चीज से। अब तुम अगर किसी अधिकारी ने वहां पर काउंटर फाइल कर दी तो काउंटर के बिहाफ पर क्या डबल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कट जाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो जो लोग ये चक्कर में थे कि वो ले गए, अरे ले कहां गए, जब वो मांगने ही उस चीज को नहीं है तो कहां से ले गए, जब मुकदमा भी यहां पर डबल वो आरक्षण का है। तो यहां पर जो चीज जो बहस हो रही उस पर हम लोग जाएंगे कि वहां पर करे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब हाँ भाई, वो कुछ अपने हितैषियों के लिए लिख दे तो अलग बात है, लेकिन लिखेंगे तो गलत लिखेंगे, और ये उनको भी पता भी, नए नए आए हैं, ओथ ली है, जज साहब बने हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई गलत जजमेंट हो। कोई गलत जजमेंट वो भी तब जब पहले से उस चीज पर फाइंडिंग आ चुकी हो, तो हमें नहीं लगता कि वो कि एक काउंटर के आधार पर डिवीजन बेंच और सर्वोच्च न्यायालय के उसमें फाइंडिंग में कहीं पर हेर फेर कर सकते हैं, ऐसा कतई नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात जो है वो हमारे ही समाज के ठेकेदारों के लिए है। उन ठेकेदारों को लगता कि वे जजमेंट आएगा और 600 प्रोसीड हो जाएगी कि भाई बस जैसे जजमेंट आएगा हम लोग विद्यालयों में होंगे, तो इस भ्रम में कतई मत रहना, ठीक है। एक महीने का सॉरी एक हफ्ते का जो है रिटर्न सबमिशन है, उस पर भी हम लोग बाद में आएंगे। तो ये मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बोल रहा हूँ।